तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कुंभलगढ़। तो हम आज जा रहे हैं कुंभलगढ़, और उसके बाद कहाँ जाएंगे पता नहीं, आगे का प्लान फिर देखते हैं। तो कुंभलगढ़ खुला है या नहीं खुला ये हमें पता नहीं है। खुले कौन खुले? हाँ बता तो रहे हैं, खुले हाँ? बता रहे हैं, अंदर के सोर्स तो बता रहे हैं खुले हैं। कितने गए? ठीक है मान लो। ये देखिए आप, ये जो आपको दिख रहे हैं ये किले इसलिए लगाए जाते थे कि कोई हाथी या कोई भी इसको खींचे तो वो चुप जाए, किले इतना प्रोटेक्शन होता था। गेट देखिए कितने बड़े बड़े गेट होते थे। तो यहाँ पे ये डिजिटल कर दिया है, डिजिटल करने के बाद में यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम है, तो चेक करते हैं। ये नेटवर्क इन्होंने लगा तो दिया है, बट यहाँ पे क्या है कि नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ा रही है। हमारा तो हो गया है, ये दूसरी पोल, क्या नाम है इसका, राम पोल। ये है राम पोल, कितना मजबूत बना हुआ है। तो अभी हम कौन सा पोल है, कौन सा भैरव पोल, क्या बोले, भैरव पोल पे आ गए हैं। और अभी तो बहुत ऊपर जाना है, चलो आ जाओ। ये देखो कितना सुंदर व्यू है यहाँ। ये फिर एक और पोल आ गई है यहाँ पे, जो भी बड़े फोर्ट हैं उन पे ऐसे पोल, उनको पोल बोलते हैं। दरवाजे जो हैं ऐसे दरवाजे बने हुए हैं, और बहुत ऊपर जाना है अभी। ये देखिए, ये जो दीवार है चाइना की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार है। ये 32 किलोमीटर में फैली हुई है, बहुत बड़ा घोड़ा चलता है। तो ये है यहाँ की राजा जी की बावड़ी, आगे थोड़ा साइड में लेंगे, पर ना जाइए पीछे। कैमरा तो वाटरप्रूफ है ना चाचू। ये देखिए पुरानी तोपें, आपको दिखाता हूँ मैं कैसी होती थी, आपने फिल्मों में देखी होगी काफी कुछ। ये देखिए तोपें, ये तोप टूट गई है, ये देखिए ये तोप। और चलते हैं अभी वहाँ पे ऊपर, अभी बहुत ऊपर जाना है। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान क्या, ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। ये कमरा था जिसमें महाराणा प्रताप पैदा हुए थे, माता जी को राजा जी ने निकाल दिया था, जैसा कि आपने सीरियल में भी देखा होगा। बंद है हालांकि। तो इस उनकी महाराणा प्रताप की माता जी को इस घर में रख दिया था, उनको निकाल दिया था मैंने। तो ये घर है, मैं मंदिर लगे मैं दौड़ा जो दर्शन करियो। तो ये क्या है अंदर देखते हैं चल के। अरे तो शानदार बना रखा है इधर, ये कुंभा जी का महल है, दूसरा छोटा सा है, ये छोटा महल है। ऊपर तो ऊपर है, चलो ऊपर। क्या इधर है, तो कुछ नहीं, खंडर हो गया है।
इसमें वो पूरा फोटो खिंचाने तो ये पूरा कुंभा महल है देखिए, और ये एक अलग कमरा है। इतना खूबसूरत महल है, कोई भी फोर्ट क्यों हो आशिकों के बिना वो अधूरा समझा जाता है। ये देखिए हर आशिक अपनी छाप छोड़ के जाता है, ये देखिए दिख रहा हर दीवार पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, कोई किसी को मिस करता है। ये कोई बबलू तेली है तो हर दीवार पे पुराने टाइम पे जासूसों के लिए रास्ते हुआ करते थे, वो एक रास्ता है। ये देखिए ये ऐसे निकल रहा है, तो ये पूरे हम अंदर आ चुके हैं और यहीं से रास्ता है ऊपर जाने का भी। ये इतना बड़ा फोर्ट है कि इसको घूमते घूमते इतना टाइम हो गया है अभी, और अभी यहाँ से मेरे को फिर सीढ़ियाँ चढ़ना है। ये बड़ी गंदी आदत है लोगों की, घूमने के लिए गंदी आदत है लोगों को, पहले इधर तक जाते हैं ये रास्ता इधर तो पहले इधर चलते को नहीं। हम छत पे आ गए हैं, छत पे आ गए हैं, छत पे तो फाइनली हम टॉप पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम कहाँ हमने स्टार्ट करी थी वो नीचे वो जो है तो ये वो जो मैंने उधर से दीवार दिखाई थी चाइना के बाद अपने सबसे बड़ी दीवार, वो देखिए ये दीवार यहाँ तक आ रही है पीछे से, ये वो दीवार जो आ रही है वापस उतरना स्टार्ट कर दिया है हमने। और ये देखते हैं किस चीज का मंदिर है, क्या कह रहा है होगा
सब पिलर पे बना हुआ है पूरा, ये देखिए। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, देखिए कितना खूबसूरत, कैसे क्या कलाकारी की हुई है, देखिए। तो वहाँ से पूरा घूम के मैं आ गया हूँ, अभी ये पीछे एक मंदिर है और इस मंदिर की तरफ चलते हैं। ये 1464 में इसको बनाया है। इधर तो इधर शिवजी भगवान के साथ में। तो ये हमने कुंभलगढ़ में खाना खा लिया है अभी, और अब हम जाएंगे बैरों का मठ। तो हम आ गए हैं अभी बैरों का मठ, ये कुंभलगढ़ से 5-7 किलोमीटर है। तो दोस्तों कहते हैं कि ये जो है बनास का उद्गम यहाँ से है, बनास नदी यहाँ से बनती है। हाँ आगे जाके फिर बड़े हो जाती है ना, इतने पहाड़ों से पेटा बड़ा हो जाता है उसका, पर उद्गम स्थल बनास का ये है। क्या कह रहे हैं? तो हम पहुंच गए हैं वापस अपने घर कोमलगढ़, और दो तीन जगह और जाके आए और सभी आ गए हैं वापस। ये मेरी दादी हमारा स्वागत करते हुए। आपको ये वीडियो ठीक लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।